अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज मैं आपको YouTube के लिए लोगो बनाने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हम YouTube के लिए लोगो जो है वो मोबाइल पर बनाएंगे, और इसके लिए जो हम एप्स यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है पिक्सल लैब। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपने पिक्सल लैब टाइप कर लेना है। जैसे सर्च पर सर्च करेंगे तो आपके पास पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। हमारे पास ये पहले से डाउनलोड था तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपके पास इस किस्म की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपके पास डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं। इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और अगर आप ख़ुद से इम्पोर्ट करना चाहें तो उसका भी यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। तो आप यहाँ पर फ्रॉम कैमरा या फ्रॉम गैलरी बैकग्राउंड जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें एक शेप को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम हेक्सागन का शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको साइज भी बड़ा कर देते हैं। दोस्तों, शेप जो है उसकी ओपेसिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जो जिस किस्म का आप कलर देना चाहें। मैं इसको ये वाला कलर देना चाहता हूँ। आप स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं और ब्लर रेडियस को भी। दोस्तों, पहली लेयर को हम लॉक कर लेते हैं। अब जाते हैं एक दूसरा शेप, इसमें हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके शेप्स पे क्लिक कर लेते हैं। इस दफ़ा जो से शेप्स हमने डालनी है इसमें, तो दोस्तों वो हमने सर्कल डालना है। सर्कल को आपने रिसाइज कर देना है और ऊपर ग्रिड जो है वहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं आप। ग्रिड जब आप ऑन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने अपने सर्कल को किस साइड पे लेके जाना है। दोस्तों, इसमें हम कलर डाल लेते हैं और इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, तो ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब इस लेयर को भी हम लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद एक और शेप हम पिक्चर में इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके शेप्स पे जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्जी का शेप सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं ये वाला शेप पहले सेलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मैंने बाद में टेक्स्ट लिखना है। इसमें भी मैं अपनी मर्जी का कलर डाल सकता हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कौन सा कलर बेहतर होगा, ये चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कलर सही है, बाकी सेटिंग को नहीं छेड़ते। दोस्तों, इस लेयर को भी लॉक कर लेते हैं। दोस्तों, इस बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। इसका साइज चेंज करते हैं तो ये वाला साइज बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसके कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ठीक है दोस्तों, इस लेयर को भी लॉक कर लेते हैं। दोस्तों, एक और टेक्स्ट इसमें इंसर्ट करते हैं। Thank you.
पे ले आते हैं इसके साइज को और कलर इसमें एडिट कर लेते हैं। अब इसके साइज को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब हमें अपनी गैलरी से एक इमेज जो है इस पिक्सल लेन में लाना चाहते हैं, इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी क्लिक कर लेंगे। दोस्तों हमने एक इमेज जो है वो अपनी गैलरी से इंपोर्ट करके अपने लॉक में डाल दिया, ये लेयर भी हम लॉक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा प्लस पे आपको क्लिक करना है और इस स्ट्रिप पे डाल देना है जो कि डिफॉल्ट में आपके एक्सेल लेयर में पहले से मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यो और इसकी ओपेसिटी जो है उसको एडिट कर लेते हैं। ओपेसिटी को दोस्तों इसे कम कर लेना है आपने। तो दोस्तों हमारा लोगो जो है वो रेडी है। दोस्तों अपने लोगो सेव करने के लिए ऊपर सेव के बाद जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे टिप कर देना है। यहाँ भी दो आपके पास ऑप्शन आते हैं, सेव इस प्रोजेक्ट, सेव इस इमेज। आप प्रोजेक्ट भी सेव की कर लिया करें ताकि जहाँ तक आपने एडिट किया हो आपसे डिलीट ना हो। तो हम सेव इस इमेज कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको जेपिक में सेव कर सकते हैं पीएनजी में, तो हम इसको पीएनजी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेव टू गैलरी कर लेते हैं। दोस्तों आपका इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। हम इसकी जब ये बैकग्राउंड था उसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों फुल स्क्रीन में हम देखते हैं कि हमारा इमेज कैसे नज़र आ रहा है। जो हमारा इमेज है दोस्तों, अरे दोस्तों आप ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन भी लाजमी दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों आखिर में आपने अपने इमेज को दोबारा से सेव कर देना है जो चेंजेस किए हैं ताकि वो आपके इमेज में आ जाए। तो हम इसको सेव टू गैलरी कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।